हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। की दाल ली है, इसको 2 घंटे के लिए मैंने सोक करने के लिए रखा था। ये अच्छे से हमारी अच्छे से गल चुकी है दाल, के देखनी अच्छे से फूल गई है, टूट भी रही है आराम से। और इसके लिए हमने ये पत्ते ले लिए, मूली के पत्ते हैं। इस तरह की मूली थी ये हमारी, ये रेड कलर की मूली भी आती है, एक वाइट कलर की मूली आती है। तो हमने रेड कलर की मूली के पत्ते लिए हैं, मूली को नहीं लिया है, पत्ते सिर्फ लिए मैंने। ये इस तरह से पत्तों को काट लिए हैं, थोड़ा रफली काटा है, मोटी है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी से धोने पड़ते हैं ताकि ये हमारी रेत जो है अच्छे से निकल जाए इसको। और अच्छे से मैंने छन्नी में करके इसका पानी को निकाल दिया है, दोनों मिक्स करके आज हम बनाएंगे रेसिपी। चलिए, और इसके लिए हमें तड़के में चाहिए होंगे, ये हमने लिए लाल मिर्च, अजवाइन, लहसुन और प्याज, और मैं तड़के में एक हींग भी डालूंगी। चलिए बनाना शुरू करती हूँ। देखिए, गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल मैं इससे डालूंगी 1 कलछी भर के, हमें तेल चाहिए होगा इतना तेल हम कढ़ाई में डालेंगे, इससे ज़्यादा हमें कढ़ाई में तेल नहीं डालना है। चलिए, तेल गर्म होने की हम वेट करते हैं। यह हम बनाएंगे सरसों के तेल में, बना रहे हैं सब्जी को। ये सरसों के तेल में सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो भी आप सब्जी जैसे बनाएं तो सरसों के तेल में आप कभी भी सब्जी बना के देखना, इतनी टेस्टी सब्जी बनती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए, मैं कढ़ाई को गर्म होने की वेट करते हैं। जैसे जब इसमें धुआं निकलने लग जाए तभी इसमें आप तड़के का सामान डालें, वरना तेल की कच्चेपन की महक आएगी। इसलिए देखिए, अब मैं 1 पिंच के करीब मैंने ये लिए हींग, इसको डाल देती हूँ। सबसे पहले हींग को डालेंगे, फिर डालेंगे हम लाल मिर्च तड़के वाली, अजवाइन डालेंगे क्रश करके। अजवाइन में थोड़ी सी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, इस तरह से थोड़ी सी अजवाइन लिए इसको डाल देते हैं। ये अच्छे से हमारी क्रैकल हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें डालना है ये लहसुन, ये 4-5 लहसुन की कलियां लिए, इनको डाल देते हैं। लहसुन हमारा अच्छे से ब्राउन सा हो गया, अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को जब तक भूनेंगे जब तक थोड़ा सा हल्की सी ब्राउन ना हो जाए। देखिए, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे मूली के पत्ते जो हमने धो के रखे थे, इनको डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इस तरह से सारे मूली के पत्ते हम इसमें डाल देंगे। देखिए, मूली पत्ते मैंने कढ़ाई में सारे डाल दिए। अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच मैंने नमक लिया, 1/2 चम्मच मैंने लिए लाल मिर्च पाउडर, ताकि क्योंकि मैं लाल मिर्च पहले से डाल चुकी हूँ इसलिए मैंने मिर्च कम डाली है। अगर आप कम और ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो मतलब इसमें बने रहिए वीडियो में, ताकि कोई पार्ट आपका मिस ना हो जाए, क्योंकि दाल मैं अभी नहीं डालूंगी। दाल मैं डालूंगी थोड़ा पानी इसका निकलने के बाद, मूली थोड़ा पानी रिलीज कर देगी तब मैं डालूंगी इसमें दाल। इस तरह से देखिए सारा मिक्स कर देंगे, ताकि अच्छे से प्याज वगैरह है जो सारे हमारे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। एक मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। देखिए, 1 मिनट हो गया, दाल को देख लेते हैं। देखें दाल ये कितना पानी हमारी मूली ने छोड़ दिया है इसे, इस तरह से देखिए कितना पानी निकल चुका है इसमें से। अब हम क्या करेंगे, इस मूलियों को हम करेंगे इधर इधर साइड में, बीच में हम जगह खाली करेंगे, ताकि इसमें हम बीच में डालेंगे अपनी दाल को, ताकि दाल जो बीच में डालने से क्या होगा, हमारी दाल अच्छे से पक भी जाएगी। पकने के बाद फिर बताऊंगी क्या करना है। इस तरह से देखिए चारों तरफ हमने मूली को फैला दिया। अब बीच में लेंगे हम अपनी दाल,
उड़द की दाल जो हमने ली थी इसको डालेंगे बीच में। अभी हमें इसको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना है ताकि हमें कुछ नहीं छेड़ना है। सिर्फ हम करेंगे 2-3 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि हमारी दाल और मूली दोनों अच्छे से गल जाए। इसमें इस तरह से कवर कर देंगे, बिल्कुल अभी नहीं खोलेंगे हम, 2-3 मिनट के बाद खोलेंगे। ओके, देखते हैं कि किस तरह से हमारी सब्जी बन के तैयार हुई। पहले एक चम्मच लेंगे हम, बीच से देखेंगे हमारी दाल गली है या नहीं गली है। इसको दाल को हम निकालेंगे इस तरह से नीचे से। चम्मच में लेंगे इस तरह से दबा के देखेंगे दाल हमारी अगर गल चुकी है। देखिए दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है अच्छे से। ज़्यादा हमें पकानी नहीं, थोड़ी हमें क्रंची सी रखनी है ताकि जो हम मूली की सब्जी खाएं तो हमारे दांतों में क्रंची से लगे। दाल को इस तरह से, दाल हमारी गल चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस सब्जी को सारे में मिक्स कर देना। अब हमने दाल और मूली को इकट्ठा मिक्स कर देना इस तरह से, और गैस के फ्लेम को हम कर देंगे हाई पे, क्योंकि हमारी दाल भी गल चुकी है और हमारी मूलियाँ भी गल चुकी हैं अच्छे से। अब हमें भूनना है सिर्फ इसको इस तरह से। देखिए इनके डंडे भी गल चुके हैं। अब हमें इनको अच्छे से चला के मिक्स कर देना है। अब इसमें थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला इस तरह से। देखिए दाल कितनी अच्छी से हमारी लग रही है। ये सब्जी आप कभी भी बना के देखना, ये आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी लगती है, इसका कभी भी आप बना के ज़रूर खा के देखना। ये कभी जैसे ये हमारे दादाजी के ज़माने की सब्जी है, दादा और नाना वगैरह ये सब्जी को इस तरह से खाते थे, मूली के पत्ते में ये दाल डलवा के खाते थे। ये बहुत पुरानी सब्जी है। चलो मेरे को कुछ ध्यान आ गया तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए सब्जी, और मुझे तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग भी कभी खा के देखना और कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर ज़रूर कि ये सब्जी आप लोगों को कैसी लगी। चलिए डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा डालेंगे हम, 1/2 टीस्पून मैंने लिया ये गरम मसाला थोड़ा सा। इसको मिक्स करेंगे, अब हम इसको इतना भूनेंगे ताकि हमारी बिल्कुल सूखी सब्जी हमें बनानी है। मूली की सब्जी जैसे बनती है उसी तरह से हम बनाएंगे इसे, इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए इसे भूनते रहेंगे हम इस तरह से। देखिए दाल और मूली की सब्जी हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। ऐसी नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, साथ में बेल आइकन में दबाते रहिए ताकि जो भी मैं नई रेसिपी डालूँ सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख सकें। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। देखिए कितनी अच्छे से हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है।